मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ विश मी हैप्पी बर्थडे टू मी. और अभी बज रही हैं 5:30 और मैं शुरू करने जा रही हूँ योग. जो आन्या ने मुझे गिफ्ट किया है मैंने वो अभी नहीं ओपन किया है क्योंकि वहाँ शिव जी रखे हैं. चाहे कुछ भी हो, मैं मेरा योग नहीं छोड़ती, मंदिर नहीं छोड़ती, एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे तो बिल्कुल नहीं छोड़ती. और अभी हो रही है रात. मैंने देखा डाइनिंग टेबल पर मेरे लिए कुछ सरप्राइज है और एक लेटर भी है जो कि आन्या ने लिखा है. ये देखो यार, आज आम्या ने कितना अच्छा दिया है गिफ्ट. हैप्पी बर्थडे मम्मा. अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. आम्या का गिफ्ट है ये, प्यारा सा लेटर लिखा है इसने. लेटर में वादे पढ़ूंगी, मैं पढ़ चुकी हूँ वैसे. और ये इसको पालू में मेरे महादेव. और ये परफ्यूम. तो मैं कट कर दूंगी, उसको भी पास ही रखो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. थैंक यू. और एक और गिफ्ट है, 4 गिफ्ट है मेरे लिए. ओ माय गॉड, आन्या को पता है मेरी चॉइस, आन्या को मालूम है मेरी चॉइस. थैंक यू बच्चा. एंकलेट तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं. थैंक यू. अच्छा थैंक यू. वन मोर. अरे ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस. नेल पेंट, ओ क्लचर, थैंक यू. और लास्ट गिफ्ट के अंदर गिफ्ट. गॉड, कितना क्यूट है ये, मी बेबी गैशा. थैंक यू सो मच. अरे रेखा, हैप्पी बर्थडे दीदी. थैंक यू सो मच भाई. हमेशा की चॉकलेट मेरी पक्की है. रेखा हमेशा मुझे चॉकलेट देती है. थैंक यू रेखा. अन्या मैं ये वाला पहनूं कि ये वाला पहनूं? वो वाला पहनो. ये वाला, ये अच्छा लग रहा है. अच्छा लूज लग रहा है. तो फिट करा लो, अच्छा लग रहा है. प्रिंसेस लुक ले दे रहा है. है प्रिंसेस लुक दे रहा है. प्रिंसेस लुक दे रहा है. मेरी बेटी से भी ज्यादा प्रिंसेस दे रहा है. नहीं मेरी बेटी से ज्यादा नहीं देना चाहिए. ठीक है मैं इसको करा लेती हूँ फिर. ओके ओके. हेलो कैसे है बच्चा? बढ़िया. ठीक है, कहाँ बर्थडे का? अरे भैया, आजो. हाँ जी, और आजो भाई, मेरी सासू माँ भी आई हैं. देखो भाई, अरे हमारे सासू माँ भी आई हैं. आंटी नहीं, दादी. चावल दादी नमस्ते कर रही है आपको. ये आप लाइयो, दादी लाइए, दोनों लाइए. जो तेरी माँ पर जते हैं गोल्डन कलर में. गोल्डन कलर में? गोल्डन और व्हाइट. ओ माय गॉड, सुना कि भाई मैंने बहुत खराब तरीके से पढ़ाई की थी. आइज क्लोज है, अब तो खोल लूं? नहीं, मैं कहां बोली समझ गई होगी. काय का
नेकलेस है, ये मेरी दौरानी ने मुझे दिया है, थैंक यू मम्मी। थैंक यू ना इंदु वाली, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। और भाई आज इंदु आई है, एक्चुअली मेरा आई मेकअप करेगी क्योंकि इसको मेकअप बहुत अच्छा आता है और हम हैं मेकअप में बिल्कुल डंप। तो इंदु मेरा ओ भाई सो क्या लाए हो, भाई क्या लाए हो। इंदु की चॉइस बहुत अच्छी है, मैं ज्यादातर चीजें उसी की पसंद की पहनती हूँ। ओ यार ये तो बिल्कुल मेरे ड्रेस का मैचिंग है। हो आई होप तुमको पसंद आया। तुझे ये कैसे पता कि मेरा यही वाला ड्रेस है? बस ऐसी। यार कितना प्यारा लग रहा है पर्स, देखो देखो। थैंक यू, और मेरा ड्रेस भी उधर ही है। थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ अभी ड्रेस दोबारा से प्रेस मांग रही है क्योंकि वो थोड़ा सा पहनी हुई थी मैंने, वो थोड़ी खराब हुई, दोबारा प्रेस करूंगी। तो यार होने के बाद हम आ गए हैं हमारे वेन्यू पर, ये है यहीं पास में एटमोस 29। बहुत अच्छा था। और रतीश जी जब भी मेरे लिए कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जब भी कुछ वेन्यू ढूंढते हैं, वो हमेशा ही ब्यूटीफुल हमेशा ही ब्यूटीफुल है, वो मुझे हमेशा सरप्राइज देते हैं। और बर्थडे मनाना मुझे अच्छा लगता है। और अब सब आना शुरू हो गए हैं, इससे पहले ही मैंने अपनी रील बना ली थी, वो जो आपने देखी होगी 29 और 23 और 43 वाली। ये मेरी ताई जी, ये मेरी मम्मा, मेरे पापा, सब लोग आ गए हैं और मैं सबसे मिल रही हूँ। ये और जी अब देखिए भाई, ये मेरी पटाका मेरी कजिन शिका, और ये है हमारी अंजलि भाभी, और उसके बाद आ गया है मेरा पिंटू भाई, ये रतीश, ये इनकी अपनी एक अलग कॉकटेल पार्टी चल रही है। भैया ये हर पार्टी में ज़रूरी है, हमारे यहाँ तो इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, जैसे कि ये लोग इंजॉय कर ही नहीं सकते। और ये है मेरे नंदोई राहुल जी सब लोग आ चुके हैं, और ये हमारी फ्रेंड इतना सुंदर मेकअप किया मेरा, और अब ये भी आ गई है। और फिर मैंने काटा केक से, काश ही कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना होता, फिर आप देखते कि हमने कितना एंजॉय किया और कितने अच्छे अच्छे गाने वहाँ पर प्ले हुए। तो बहरहाल केक वेक का कार्यक्रम चल रहा है, रतीश जी मुझे खिला रहे हैं। यार केक का बड़ा इशू है, अगर केक टेस्टी होता है तो मैं सारा खा जाऊं, लेकिन अगर टेस्टी नहीं होता ना तो एक बाइट नहीं छिलता, लेकिन लोग तो खिलाना चाहते हैं ना। उसके बाद हुआ भाई डांस का प्रोग्राम, और अब आ चुकी हैं ऑन द फ्लोर मेरी सासू माँ, और गाना पता है कौन सा चल रहा है, बदन पे सितारे लपेटे हुए मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं और खूब डांस करती है मेरे साथ, देख रहे हो, देखो 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 कैसे डांस कर रही है मेरे साथ। तो हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद आया खाने का नंबर, और पता नहीं भाई क्या हुआ मेरे पेट में तो ऐसा लॉक लगा, पता है मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जब खाती हूँ ना स्नैक्स बहुत खा जाती हूँ, ये जीजू है मेरे जीजू, और खा जाती हूँ तो बहुत खा जाती हूँ। मैंने बहुत सारे पिज़्ज़ा खा लिया और वो चीज़ वीज़ बहुत सब कुछ मेरे पेट में था, और उसके बाद मेरे पेट में नाम की भी जगह नहीं थी, बस मैं खाने को देखती रही लेकिन नहीं खा पाई। ये खा रहे हैं सब लोग, इंजॉय कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी पता है, तो इसलिए मैं आप सबको भी ये सलाह दूंगी कि ओवर ईटिंग ना करें, मैं तो पागल हूँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ओवर ईटिंग। और फिर मुझे डॉक्टर को बुलवाना पड़ा नेक्स्ट डे, उसने इंजेक्शन लगाया तब जाकर मैं ठीक हुई। यहाँ पर भी गाना चल रहा है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती, अदरवाइज़ यहाँ पर भी सबकी वॉइस बहुत अच्छी है। तो ऐसा रहा मेरा बर्थडे, और अब मैं हो चुकी हूँ 43 की, और मैं अपने आप को ऐसे ही बनाए रखना चाहती हूँ हमेशा। भाई रतीश जी को बहुत सारा थैंक यू, हर साल हर साल मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हो, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिया जी की जय हो, पति हो तो ऐसा हो, मजा आ गया। कोई अगर 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 हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो कोई अपने अपने कमेंट डालेगा अपने बर्थडे में जिसने जैसे सेलिब्रेट किया वो प्लीज कमेंट करें, ये ऐसे ही करना चाहिए। और इस बर्थडे का पेमेंट भाई ने करा है, थोड़ा सा बहन ने भी किया है।